अल्लाह जी वेलकम करती हूँ आपका कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हाँ जी तो ये है व्लाग हमारा वापसी का आ जो पिछला ब्लॉग था उसी से आगे आ, ये मैं कंटिन्यू कर रही थी और ये हमारा रात का ब्लॉग था क्योंकि हमारी बहुत सुबह अर्ली फ्लाइट थी तो हम लोगों ने जो है ना रात को दो ढाई बजे घर से निकलना था तो बस घर जा के हम लोगों ने पैकिंग शैकिंग की जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था थोड़ी सी शॉपिंग की थी तो उसके बाद जो है ना पैकिंग वगैरह करने के बाद कोई दो ढाई बजे हम लोग घर से निकले थे और उस टाइम पे रात का ही टाइम था दुनिया सो रही थी और हम लोग जो है अपने सफ़र की तरफ जा रहे थे तो जाते हुए दिल उदास तो बड़ा होता है सबको छोड़ के जाना और थोड़ा सा टाइम था बड़ा इन्जॉय हमने किया सबसे मुलाकात भी हो गई दिल उदास भी हो रहा था लेकिन खुशी भी थी कि अब अपने घर जाएंगे जा कर सकून करेंगे रेस्ट करेंगे क्योंकि अपने घर की तो बात ही और होती है तो बस जी यहाँ पर हम जो है वो जा रहे थे एयरपोर्ट और मैं एज़ यूजल आ, रास्ते में जो है वीडियोस बना रही थी क्योंकि मेरा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि हमारी जो वापसी की जर्नी थी वो कैसी रही तो सफ़र तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा बस ये था कि थकावट बहुत हो गई थी एक वीक का छोटा सा ट्रिप था जिसमें रोज़ हम लोग ट्रैवल ही करते रहे तो बाद में घर आके बहुत ज़्यादा थकावट हुई एक डेढ़ हफ्ता तो थकान ही नहीं उतरी आप यकीन करें इतनी थकान थी इतनी थकान थी कि बस ना पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम वापस आ चुके हुए थे ब्लॉग मेरा लेट हो गया अपलोड में लेट कर रही हूँ तो यहाँ हम जो है एयरपोर्ट पहुँच चुके थे शुक्र अलहमदिल्ला तो बस अब अंदर गए थे हम लोग जा कर हम लोगों ने अपना लागेज वगैरह सारा आ वो दे दिया और जो भी हमारा सीट्स वगैरह थी वो हमने ले लिया तो अब यहाँ हम जो है लाउंज में बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे और फिर हमें यहाँ भी तकरीबन तीन चार घंटे बैठना पड़ा यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई जो कि यूके जा रही थी फर्स्ट टाइम यूके जा रही थी तो उनके साथ गपशप करके टाइम अच्छा गुजर गया तो यहाँ पर जी फजर का टाइम हो चुका था और माशाल्लाह से अजान स्टार्ट हुई थी तो आप सुने यहाँ पे जी मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको अजान सुनवा सकूँ लेकिन हुआ ये कि मुझे कॉपीराइट आ गया एक तो वाले फ़ौरन कॉपीराइट मार देने ना तो फिर जी मुझे वीडियो को जो है वो रिमूव करना पड़ा और दोबारा से जो है मैं अब ये वाला पार्ट जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो चलें अजान तो मैं आपको नहीं सुना सकी लेकिन चलें कोई बात नहीं आ, मैंने तो सुनी थी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था प्लेन आ चुका था तो बस इंतज़ार था आपके कब हम जो है वो प्लेन में बैठेंगे और कब हमारा सफ़र स्टार्ट होगा तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो प्लेन में बैठ चुके थे और टेक ऑफ हो चुका था प्लेन तो बस अब इंतज़ार था कि जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचें और सुकून करें रेस्ट करें तो इस बार हमें सीट्स भी अच्छी मिल गई थी हमें बिल्कुल फ्रंट पे जो है वो जहाँ पे प्लेन का गेट होता है उसके पास सीट्स मिली थी जो कि काफ़ी खुली थी तो शुक्र अल्लाह का सफ़र बड़ा अच्छा रहा हमारा अच्छा मेरी एक आदत है मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं सूरतें लगा लेती हूँ और मैं साथ साथ तलाबत करती रहती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप पढ़ते रहें तो यहाँ पे जी आ गया था नाश्ता उन्होंने पूछा कि आपने क्या खाना है तो मैंने फिर पराठा मंगवाया और साथ सब्ज़ी थी तो बड़ा मज़े का नाला से जिन कंट्रीज़ में हम लोग रहते हैं आपको पता है यहाँ पे तो हमें कभी अजान सुनने को मिलती नहीं है तो इतना अच्छा लगा सुबह सुबह जब एयरपोर्ट पे अजान की आवाज़ सुनाई दी बहुत ही अच्छा लगा तो यहाँ हम वेट कर रहे थे प्लेन आ चुका था तो बस इंतज़ार था आपके कब हम जो है वो प्लेन में बैठेंगे और कब हमारा सफ़र स्टार्ट होगा तो अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो प्लेन में बैठ चुके थे और टेक ऑफ हो चुका था प्लेन तो बस अब इंतज़ार था कि जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचें और सुकून करें रेस्ट करें तो इस बार हमें सीट्स भी अच्छी मिल गई थी हमें बिल्कुल आ, फ्रंट पे जो है वो जहाँ पे प्लेन का गेट होता है उसके पास सीट्स मिली थी जो कि काफ़ी खुली थी तो शुक्र अल्लाह का सफ़र बड़ा अच्छा रहा हमारा अच्छा मेरी एक आदत है मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं आ, सूतें लगा लेती हूँ और मैं साथ साथ तलाबत करती रहती हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप पढ़ते रहें तो यहाँ पे जी आ गया था नाश्ता उन्होंने पूछा कि आपने क्या खाना है तो मैंने फिर पराठा मंगवाया और साथ सब्ज़ी थी तो बड़ा मज़े का नाश्ता था मैंने इंजॉय किया जैसे कि मैं हमेशा ट्रैवलिंग वाली वीडियोज़ में कहती हूँ कि मुझे प्लेन का खाना बहुत पसंद है और मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ तो यहाँ पे जो हम पहुँच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह कतर और यहाँ पे था हमारा चार घंटे का स्टे तो इन चार घंटों ने इतना हमें थकाया इतना थकाया क्योंकि मैं चार घंटे बिल्कुल बैठी नहीं मैं पूरे एयरपोर्ट पे जो है ना घूमती रही और ना पूछें बस मैंने ए, मुझे लगा कि बस आज ये मुझे मौक़ा मिला है तो घूम लो जितना घूमना है तो मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा और टाइम स्पेंड करना था और टाइम को किल करना था तो क्या करती है एक जगह बैठ बैठ के तो इंसान थक जाता है तो मैंने फिर जो है ना एयरपोर्ट को एक्सप्लोर किया आ, कोशिश मेरी थी कि मैं ज़्यादा वीडियोस बनाऊं फिर मैंने सोचा कि नहीं इतनी वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं है बस इतना ही काफ़ी है कि जितना जो है ना मेरा ब्लॉग बन जाए तो जी काफ़ी घूमने के बाद और जब मैं बहुत ज़्यादा थक हार गई तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे जो है ना अपने गेट की तरफ़ जाना चाहिए क्योंकि अब तो बहुत हो गई है फिर आगे ट्रैवल भी लंबा था तो उसमें भी इंसान जो है वो तकरीबन छः घंटे की फ़्लाइट होती है तो उसमें भी इंसान थक जाता है और टोटल फ़्लाइट तो दस घंटे की होती है लेकिन आप तीन चार घंटे पहले घर से निकलते हैं उसके बाद एयरपोर्ट पे स्टे करते हैं उसके बाद फिर कनेक्टेड जो आपकी फ़्लाइट होती है उसमें भी आपका तीन चार घंटे का स्टे होता है फिर जब आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं तो वहाँ जा के भी फिर आपको एयरपोर्ट से घर जाने में भी आपको एक घंटा डेढ़ घंटा लग ही जाता है तो टोटल जो है ना ये पंद्रह सोलह घंटे से ज़्यादा ही ट्रैवल बनता है तो उसमें आप सोचें कि इंसान कितना थकता है लेकिन खैर कोई बात नहीं अब जाना तो होता ही है और जब आपने जाना होता है उस वक्त अपने मुल्क में जाने की अपनों से मिलने की एक अलग सी खुशी होती है तो उस खुशी में तो इंसान थकता नहीं है वापसी पे थोड़ी सी थकावट होती है आ, लेकिन मैं तो इंजॉय करती हूँ ऐसे ट्रैवल को ना मुझे बहुत अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना और घूमना फिरना और मेरे हस्बैंड तो बाद में बैठ गए थे क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी लेकिन मैं चार घंटे बहुत घूमी बहुत घूमी आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कतर एयरपोर्ट के नज़ारे देखने को मिल रहे होंगे तो मैंने बस कोई जगह छोड़ी नहीं और घूम घूम के घूम घूम के आखिरकार फिर जो है मैं जब थक गई तो वैसे भी फिर तकरीबन डेढ़ घंटा रह गया था फ़्लाइट में तो मैं फिर अपने गेट की तरफ गई गे। क्योंकि गेट भी हमारा बहुत ज़्यादा दूर था और मैं फिर जो है ना थोड़ा सा करीब आ गई थी ताकि जब टाइम थोड़ा पास आए तो मैं फ़ौरन से गेट तक चली जाऊँ क्योंकि यहाँ दूर दूर, दूर आ, सारे गेट्स हैं तो यहाँ पर ना गोल्ड की बड़ी अच्छी शॉप्स थी मुझे बड़ा अच्छा लगा दिल तो मेरा चाह कि मैं थोड़ा सा कैप्चर करूँ फिर मैंने कहा नहीं जब लेना कुछ नहीं है तो फिर शॉप के करीब जाने का फ़ायदा कोई नहीं है तो जनाब यहाँ पे मैं आके अब लाउंज में बैठ चुकी थी और वेट कर रहे थे कि बस थोड़ी देर में अंदर जाना था प्लेन में तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र रहा और टाइम भी आ चुका था तो यहाँ जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्लेन में आ चुके थे और बैठ चुके थे और शुक्र अल्लाह का और जो प्लेन है वो भी टेक ऑफ कर चुका था तो बस अब छः घंटे की फ़्लाइट थी तो अल्लाह अला करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुज़र गया और बहुत अच्छा गुजरा और मज़ा आया तो यहाँ पे जी मैंने कतर को किया बाय बाय और बस फिर मेरा दिल अब चाह रहा था कि मैं जो है आ, सो जाऊँ रेस्ट करूँ क्योंकि फ़्लाइट काफ़ी लंबी थी और दिल तो बहुत था थकावट भी थी और रात का जगराता जो होता है वो वैसे इंसान को बहुत ज़्यादा थका देता है लेकिन सोना कहाँ जी फ्लाइट में नींद कहाँ आती है तो क्योंकि एक तो आ, सीट्स भी इस तरह होती हैं कि आप सो नहीं सकते दूसरा ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने को आ जाता है तो बस इंसान जो है ना पूरा रास्ता पूरे ट्रैवल में ना खाने में ही बिज़ी रहता है तो बस मेरा भी कुछ यही हाल था तो लें जी यहाँ पे स्नैक्स आ गए जूस आया और साथ जो है ये ब्रेड जो है ये इन्होंने दिए खाने के लिए तो अभी ये खाना पीना चल ही रहा था कि साथ ही जो है फूड भी आ गया तो बस फिर मैंने जो है खाना एंजॉय किया खाना अच्छा था इनका एज़ यूज़ुअल हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ आई लव प्लेन फूड तो बस आप यूँ समझे मैं प्लेन फूड लवर हूँ एक तो ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक़ है और एक इनके खानों का मुझे बहुत शौक़ है मुझे पसंद है बहुत लोग हंसते होंगे आप लोग सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हंसते होंगे कि मैं हर वीडियो ट्रैवलिंग वाली वीडियो में ये कहती हूँ लेकिन क्या करूँ मुझे जो चीज़ पसंद होती है मैं उसका खुल के इजहार करती हूँ तो जी खाना छाना हो चुका था और बस हम अलहमदिल्ला काफ़ी करीब थे पहुँचने वाले थे तो शुक्र अल्लाह का खैरियत से हम लोग जो है वो पहुंच चुके थे प्लेन जो है वो अब बस लैंडिंग के मराहल में था बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम लोग पहुंच गए थे तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का भी ट्रैवलिंग का ब्लॉग अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें हौसला अफजाई होती है और फिर मोटिवेशन भी होती है कि इंसान और अच्छे व्लॉग्स बनाता है तो बस अब यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इन बहुत जल्द जो है एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खदमत होंगी तो मुझे दें इजाज़त अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज